मैडम सर, आप लोग गए नहीं अब तक? नहीं। आपको आपको क्या जरूरत था मैडम सर बाहर इतना बड़ा बोल बोलने का? आपको पता भी आप जोश जोश में कहा बोलकर आ गई हैं? अरे बुलबुल पांडे का चाल था ये और आप उनकी चाल में आ गई हैं। वो बुलबुल पांडे हम सबको नीचा दिखाना चाहता है, हमारा थाना बंद करवाना चाहता है, हमें कॉम्पिटिशन से बाहर करना चाहता है। आपने जो किया है ना, इससे पक्का उसका कामयाबी पक्का हो गया है। अब अगर ये केस सॉल्व नहीं होता तो बदनामी तो होगा ही, लेकिन साथ साथ ये थाना भी बंद हो जाएगा और इसका पूरा जिम्मेदारी जो है ना वो आपके वजह से होगा, सिर्फ आप। अच्छा, और हम यहाँ इस नौबत तक जो पहुंचे उसका जिम्मेदार कौन है? आप पुष्पा जी या फिर हम, या फिर सालों से चला रहा वो जनरेशन गैप जिसने घर घर का सुख चैन छीन रखा है? मैडम सर, आप ये जो करने का सोच रही है ना, ये बिल्कुल ही असंभव है। सास बहू के बीच में ये जो अंतर है, जो मतभेद है, खुद को ही सही मानने की जो जिद है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। नहीं मतलब हम भी एक सास है इसीलिए कह रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है मैडम सर। नहीं पुष्पा जी, अब तो जो हो गया वो हो गया, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इस नामुमकिन काम को अब हमें मुमकिन करना होगा। ठीक है, फिर बताइए मैडम सर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रही हैं, फिर वैसा ही होगा। करिश्मा सिंह, इस केस में हमें आपकी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं मैडम सर, आप हमें बताइए क्या करना है। पुष्पा जी, हमें आपकी भी जरूरत नहीं है। देखिए, ये केस बहुत चैलेंजिंग हो गया है और आप दोनों के रहने से बात और बिगड़ सकती है, इसलिए इस स्टेज पर आकर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। आप दोनों इस केस से फ्री, आप जा सकती हैं। मैडम सर, करिश्मा सिंह, आप जा सकती हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, आप भी। जय हिंद मैडम सर। नमस्कार दर्शकों, आज न ही सिर्फ थाने का बल्कि पूरी महिला पुलिस फोर्स के इतिहास का वो पहला दिन होगा जो ना ही किसी ने देखा होगा ना ही सुना होगा। सास और बहू के बीच सदियों से चलती आ रही कभी ना खत्म होने वाली जंग आज खत्म हो जाएगी और इस इम्पॉसिबल काम को पूरा करके दिखाने वाली है SHO हसीना मलिक, वो भी आप सबके सामने ऑन कैमरा लाइव इस अदालत में। तालियां। अगर ऐसा होता है तो इस थाने के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बात भी पक्की है कि इस हार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी महिला पुलिस थाने को। अब होता क्या है ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। तब तक के लिए ताजी खबरों का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। क्या बात, तैयारी किया, पब्लिक पब्लिक जमा हो गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समा कीजिए हसीना जी, ना मतलब जब से आपने वो ऑन कैमरा लाइव वाला चैलेंज लिया है ना, तब से हमारा हंसी जो है ससुरा रुक ही नहीं रहा। ना आज तक दुनिया ने जोक्स सुने होंगे पर अब पहली बार पूरी दुनिया जोक्स देखेंगी, वो भी लाइव आपकी मेहरबानी से। अरे भैया, बहुत मजा आने वाला है, बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है, आप सबको ऑल द बेस्ट एडवांस में। चल अबे, जब थाने को हारते ही देखना था तो टीवी पे देख लेता, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अपना नहीं तो कम से कम मेरे टाइम का तो वैल्यू कर। मतलब सर, आप अपने टाइम का वैल्यू कीजिए, बताइए कितना कीमती वक्त है आपका, है कि नहीं? अरे बुद्धिहीन, दुश्मनों को हराने से ज्यादा उन्हें हारते हुए देखने में मजा आता है। इस थाने को मैं हारते हुए देखना चाहता हूँ आज भी और बेस्ट थाना प्रतियोगिता में भी। क्या समझा? आ चला। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, आप दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ? हमने कहा था ना हमें आपकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम नहीं आना चाहते थे, हम नहीं आए हैं, ये हमको खींच के लाई हैं, हमारा अपहरण करके हमको जबरदस्ती यहाँ लाई हैं। पुष्पा जी,
मैडम सर, आपने एसआई करिश्मा सिंह और कांस्टेबल पुष्पा सिंह को यहाँ आने से मना किया था ना, मगर सास बहू तो आ सकती है, तो हम यहाँ सास बहू की हैसियत से आए हैं। हाँ, लेकिन क्यों आए? आप यहाँ सास बहू के बीच में सुलह कराने जा रही है, तो सोचा हम भी यहाँ आके देखते कि शायद कोई फायदा और इन्हें अपनी सास की कीमत का पता चले। हमको पता चले, आपको वैल्यू करना चाहिए बहू का। अगर सास बहू का वैल्यू करने लग जाए ना, तो ये सास बहू का टंटा खत्म हो जाए। हाँ, तो हम भी यही कह सकते हैं ना कि अगर बहू अच्छे से समझने लगे सास को, तो ये टंटा जो है सास बहू के बीच में, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस केस से हम आप दोनों को दूर रख रहे थे। अब जाइए, जाकर बैठिए अपनी अपनी जगह पर। इन्हें जाइए 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 क्या लगता है जीते? कुछ कुछ लगता है संतू जी, और बहुत कुछ लगता है। क्या क्या बताएं आपको, आप नहीं समझेंगे। जीते, कभी ना सच्ची का लगेगा तुझे। मैडम सर के बारे में पूछ रही हूँ, क्या लगता है मैडम सर ये जनरेशन गैप जो है वो मिटा पाएंगी? वही वाला बात। संतू जी, हमको तो नहीं लगता कि जनरेशन गैप पूरा चीज मैडम सर मिटा पाएंगी। नहीं, सांप नेवला के बाद से जो सबसे बड़ा दुश्मनी है ना, वही वाला दुश्मनी है जो आदिकाल से चलता आ रहा है। और कहते हुए हमको बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन मैडम सर ने 200% इस मामले में फेल हो जाएंगे, गारंटी लिख लीजिए। वेलकम, यहाँ मौजूद सभी लोग और लाइव स्ट्रीम पर हमें देखने वाली हर सास बहू का हम हसीना मलिक SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ स्वागत करते हैं। आज यहाँ इस जनता की अदालत में हम बहुत ही अहम और सदियों से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिरकार सास बहू को एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम हो तो बताए ना। अरे बोलिए बोलिए, आप सिर्फ आपकी कोई प्रॉब्लम है। शांत, प्लीज प्लीज, आप सब शांत हो जाइए। आप सबको मौका दिया जाएगा जवाब देने का, लेकिन इस तरह से नहीं। आप सबके पास पेन और पैड हैं? ओके, तो अब आप इन पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखना शुरू कीजिए। अरे पेपर कम पड़ जाएगा इतने। चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा एक एक कर चिट्ठियां पढ़ना शुरू करेंगे। ये क्या, ये तो कोरा पेपर है। ये सास को तो अपनी बहू से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। संतोष जी, दूसरी तरफ पलट के देखिए, उधर लिखा हुआ है। पढ़ना शुरू करिए प्लीज। तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी बहू से, हर वक्त बस सोना 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 सोना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? गोल्ड तो हर किसी को पसंद है ना। संतोष जी, पहनने वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना। वो जो रात में हम लोग सोते हैं, जो रोज रात में आपको मैसेज करते हैं ना, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, जिसका कभी आप रिप्लाई नहीं करती। अच्छा, तभी देख आगे भी लिखा है कि जैसे मौका मिलता है सो जाती। हाँ, प्रॉब्लम। मेरी सास को मेरी हर एक चीज से प्रॉब्लम है, मेरे खाने से, मेरे पहनने से, मेरे उठने से, मेरे चलने से। असल में मेरी सास ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी बहू बिना मांगे मुझे ना नाश्ता देती है, ना खाना देती है, ना पानी देती है, कुछ नहीं देती। मेरी सास मुझ पर हुक्म चलाती है। मेरी बहू सारा दिन बस सजती सवरती रहती है। मेरी सास को मेरे पहनावे से प्रॉब्लम है, पेटू है, दिन भर खाती रहती है। एकदम थर्ड क्लास खाना बनाती है, हमेशा कुछ ना कुछ जलाती रहती है। बदतमीज है, अकड़ू है, झगड़ालू है, कामचोर है, चोर है, मुफ्त खोर है, पैसा उड़ाती है, सारा दिन सर खाती है, नौकरी पर नहीं जाने देती, मुझे तो जीने ही नहीं देती, जलती है, हाथ मलती है, चुड़ैल, डायन, छिपकली, कड़वी मूंगफली, हट हट दूर हट हट। ये लिखा है? नो मैडम सर, नो। ये सब कैसे लिखा जा सकता है? सब तो फ्लो में निकल रहा है अपने आप। सॉरी। सो ये जितनी भी शिकायतें हमने सुनी, या जो इतने सालों से हम शिकायतें सुनते आ रहे हैं, उन सब को सुनकर ऐसा लगता है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं,
उनकी जड़ है नजरिया, जो सास का बहू से कभी मिल ही नहीं पाता, क्योंकि दो पीढ़ियों की सोच में हमेशा फर्क होता है। अरे का हसीना जी, ना मतलब का इधर उधर क्या कर रही हैं आप? मुद्दे पे आइए, पॉइंट पे आइए। करेंगी का और सिखाएंगी भी तो कौन, जो ना खुद सास है ना बहू। अजी हम कौन होते हैं किसी को कुछ भी सिखाने वाले? सीखना तो दुनिया में सब कुछ खुद ही पड़ता है, और ये सास बहुएं भी एक दूसरे का नजरिया अब खुद ही सीखेंगी। अच्छा, वो कैसे? अरे बैठ जाइए ना, हर जगह टांग अड़ाते हैं। मतलब हम अपनी टांग अड़ा रहे थे, बैठ जाइए। ऐसा करने के लिए हमें कोई भी एक सास बहू की जोड़ी चाहिए, जो यहाँ पर आए, आमने सामने खड़ी रहे और बाकी सास बहू को रिप्रेजेंट करे। तो बताइए, इस काम के लिए यहाँ कौन आना चाहेगा? हम आएंगे मैडम सर, हम और करिश्मा जी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैडम सर, सर क्या कर रही है मैडम सर? किन लोग को बुला रही है यहाँ पर? अरे ये लोग तो वर्दी में झगड़ झगड़ के बहुत चाल मचाए रहता है ये लोग, अभी बिना वर्दी का खाड़े में आया ये लोग। प्लीज मैडम सर, प्लीज ये लोग को मत बुलाइए, प्लीज। मैडम सर चीता सही बोल रहा है, ना बोल दो ना इनको। हाँ। आप दोनों से पूछा हमने? नहीं मैडम सर, मैं ना बोल रही थी, चीता सुना नहीं। चल जाइए अपनी जगह पर। चल चल चल, आइए आप दोनों आमने सामने आइए। बताइए क्या करना है? वही जो आप दोनों दिन रात सुबह शाम बिना जगह देखे बिना मौका देखे करती हैं, बहस। लेकिन इस बार ये बहस थोड़ी हटके होगी, थोड़ी अलग होगी, क्योंकि इस बार आप दोनों को एक दूसरे की जगह लेकर बहस करनी है। इसका मतलब सास बनेगी बहू और बहू बनेगी सास। सारी बातें वही होंगी, सारी शिकायतें वही होंगी, सारे प्रॉब्लम्स वही होंगे, लेकिन आप बनेंगी आदर्श बहू और आप बनेंगी आदर्श सास, और फिर करेंगी बहस। तो शुरू करें? जी करते हैं। ऑल द बेस्ट। अच्छा वदना भाई, क्या कहते हो, कौन जीतेगा, करिश्मा मैडम पुष्पा मैडम? अरे पुष्पा मैडम तो बवाल है। तो करिश्मा मैडम भौकाल है, समझे? बेटा तुम कोरे कागज पे लिख लो, जीतेगी तो पुष्पा मैडम, समझते हो ना? लगी शर्त। बावा डन। ओके। समझ नहीं पा रहे हैं हम कि हम क्या कहे और किस मुंह से तुमसे माफी मांगे बहू रानी, किस मुंह से तुमसे माफी मांगे बताओ। नहीं मतलब हम इतना टें टें करते हैं, तुम हमारा इतना चक चक झेलती हो, हम तुम्हें हर बात पे टोकते हैं, तुम्हें इतना परेशान करते, लेकिन फिर भी तुम एक शब्द नहीं कहती हो। मतलब इतना कैसे झेल लेती हो तुम हमको बहुरानी, हमको समझ में नहीं आता। अब हमने ना एक बात समझ ली है कि जब तुम थाने में हमारी सीनियर रह सकती हो तो तुम घर में भी हमारी सीनियर रह सकती हो, इसलिए ये चाबियां तुम संभालो, अब से घर तुम ही संभालोगी, ठीक है? सही है। हम आज ही प्री रिटायरमेंट ले लेंगे। नहीं नहीं सासू माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है, आपने देखा ही क्या है जिंदगी में जो आप रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रही है? देखिए देखिए, आप ही इस घर की बॉस थी, बॉस है और हमेशा बॉस रहेगी, इसीलिए ये जो चाबियां है ना आपके पास ही संभाल के रखिएगा। हम क्या है, हमको तो कुछ नहीं आता, बस प्यार और गुस्से के अलावा, है ना? देखिए ना कितनी बुरी बहू है हम, जो इतनी महान सास को समझ ही नहीं पाए आज तक, है ना? नहीं 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 बहू रानी, बुरी बुरी हम हैं, तुम नहीं हो। नहीं नहीं सासू माँ, बुरे तो हम हैं, देखिए ना आज तक खाने के नाम पे जहर पकाते आए, और आप कितनी अच्छी है जो उस जहर को भी खाना मानकर खाती रही आज तक, है ना? बहू रानी जहर ही सही, लेकिन सही टाइम पे खाना तो देती हो, हमारे भरोसे रहेंगे तो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
क्योंकि क्या है ना बहू रानी, सासों को बैठ के सिर्फ हुक्म चलाना आता है। क्यों? बिल्कुल सही। ये तो आपका अधिकार है सासू माँ, क्योंकि आप बड़ी हैं, घर की मालकिन हैं। अब मालकिन हुक्म नहीं चलाएगी तो फिर कौन चलाएगा? हम। सही जा रही है। हाँ, सही कहा। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं मतलब सारा अधिकार हमारा है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम इस घर की बहू नहीं हो, तुम भी इस घर का हिस्सा नहीं हो। नहीं नहीं सासू माँ, आपका ही अधिकार है। नहीं नहीं बहू रानी, तुम्हारा है। हम हर बात पे टोका टाकी करते रहते हैं तुमसे, आज तक तुम्हारे एक भी फैसले का हमने सम्मान नहीं किया। नहीं मतलब हमें भी तो तुम्हारे कभी किसी एक फैसले का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? मगर अलमारी की चाबी आप ही के पास रहेगी कह रहे हैं हम। हाँ नहीं, क्या है ना, अगर अलमारी की चाबी हमारे पास रहेंगी तो हम बेफिजूल के खर्चे करते रहेंगे, महंगी महंगी चीजें घर में लाते रहेंगे, जैसे कपड़े, घड़ी, महंगा काला चश्मा, है ना, और आपको आधी कीमतें बताएंगे। सच कहें सासू माँ, हमको ना इस बात के लिए आपसे माफी मांगनी चाहिए, ऐसे कान पकड़ के। माफी काहे मांग रही हो तुम बहू रानी? तुम माफी मत मांगो। ये जो खर्चा तुम करती हो, ये क्या सिर्फ तुम अपने ऊपर ही करती हो? और तुमको याद है, तुमने हमें एक मोबाइल दिया था आधे रकम का बता के। तुमने वो मोबाइल हमें क्यों दिया था? क्योंकि हमें वो मोबाइल बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, पर उसका रकम सुन के हमारा हिम्मत नहीं होता कि हम उसको खरीद ले। तुमने हमें उस मोबाइल का आधा रकम बताया ताकि हम वो मोबाइल इस्तेमाल कर सके, याद है? थोड़ा विश्वास हमें भी तो करना चाहिए ना अपनी बहू पर, कि वो ऐसे अनाप शनाप बेफजूल के खर्चे नहीं करेगी, और अगर खर्च कर भी रही है तो घर का बचत का सोच के कर रही होगी। इतना विश्वास तो हमें तुम पर होना चाहिए बहू रानी, कि कल को अगर घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो तुम्हारे अकाउंट में इतना इतना सेविंग जरूर होगा, तुमने बचा के जरूर रखा होगा, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती है। इसलिए ये हक सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि तुम बचत करना जानती हो, और हमें तुम पर थोड़ा विश्वास होना चाहिए, इसलिए तुम संभालो। सही कह रही हैं आप। सच में हमें बहुत ही अच्छी और आदर्श बहू मिली है। आपको बहुत अच्छी और आदर्श बहू मिली है, जो सबके बारे में सोचती है। तो जैसा आप चाहती हैं, ये सारी चाबियां हमारे पास ही रहेंगी, क्योंकि अब ये हमारा अधिकार है। लीजिए पुष्पा जी। क्या बात है सासू मैया, आज तो आप बिना ओवर एक्टिंग के हमारा नजरिया समझ गई। आपका नजरिया तो आपका चश्मा लगाने के बाद ही हम समझ गए थे बहू रानी, और हम ये भी समझ गए हैं कि आप बचत भी करती है, और उन्हीं बचत के पैसों से ही आपने वो चश्मा खरीदा है। का ना मतलब ये का चल रहा है, है? जनता जनार्दन को बेवकूफ समझ के रखे है क्या? ना पहले से ही तैयार किया हुआ नौटंकी दिखा देंगे तो ये पब्लिक मान जाएगी आपका बात ना। बिंदु जी आप मान जाएंगे, परमिशन दे देंगे अपनी बहू को गाड़ी लेने का? अरे हरगिज नहीं। देखिए कह रही है कि हरगिज नहीं। देखिए हसीना जी, आपका ये तिकड़म तो काम नहीं आया ना, अब कोनो और तिकड़म हो तो बताइए। एक मिनट बिंदु जी, आप एक बार अपनी बहू की बात समझने की कोशिश तो करिए। हाँ तो आती हूँ ना मैं अपनी बहू की जगह, बहू बनकर, और इसे कहिए कि ये मेरी सास बनकर दिखाए और मुझे कन्विंस करे कि मैं कार खरीदूं। अरे मैं चैलेंज देती हूँ, दम है ना तो अपनी बात मनवा के दिखा ले। तुझे
जाओ जाओ अरे जाओ 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 अरे तो देखा आपने दर्शकों कितना रोमांचक रहा ये सेशन। एसएचओ हसीना मलिक ने कम से कम एक सास और बहू का झगड़ा सॉल्व करके दिखा दिया, पर इस केस के ओवरऑल मामले में दिल्ली अभी दूर है। एसएचओ हसीना मलिक का असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है इस सवाल के साथ कि क्या वो ईशा और इंदु नाम की सास और बहू का झगड़ा सॉल्व करवा पाएंगे। देखते हैं इस ब्रेक के बाद। हे भोलेनाथ, पता नहीं अब क्या होगा। बिंदु जी ने तो ठान ही लिया है वो अपनी बहू की बात नहीं मानेंगी। अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो केस हाथ से निकल जाएगा, और अगर केस हाथ से निकल गया तो हमारे थाने की इज्जत की फजीहत हो जाएगी। पर से ये बुलबुल पांडे अलग आग में घी झोंक रहा है। मैडम सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा। हम ये केस कैसे जीतेंगे, ये प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे? ऐसे हम हार गए तो नहीं। करिश्मा सिंह, इस बार हम किसी भी कीमत पर हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल अब सिर्फ किसी कॉम्पिटिशन या किसी केस का नहीं है। सवाल उस उम्मीद का है जो इस शहर के लोगों ने हमारे महिला पुलिस थाने से लगाई है। हम उस उम्मीद को नहीं टूटने दे सकते। तजुर्बा कहता है हमारा, नतीजा मायने नहीं रखता, कोशिश मायने रखती है। संतोष शर्मा, चीता चतुर्वेदी। मैडम सर, आप दोनों के लिए एक काम है। राउंड टू की शुरुआत करते हैं, आप दोनों आइए आमने सामने। अब मैं तुझे दिखाती हूँ कि आदर्श बहुएं कैसी होती हैं और अपने सास के सामने कैसे पेश आती हैं। अब तू मुझे कार खरीदवाने के लिए मना के दिखा दे। क्या फायदा, जब आपने ठान ही लिया है कि आपको मुझे समझना ही नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है। डर गई ना, बन जाए ना सास, बना लेना मुझे कार लेने के लिए। इंदु जी, आपकी बहू को सास बनने की जरूरत ही क्या है, जब आपकी खुद की सास यहाँ मौजूद है। मेरी जी, ये रही आपकी सासुमा श्रीमती कमला देवी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।